अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरा चाहती हूँ, मुझे कॉलेज से निकलने में देर होगी। मैं मरियम हूँ, उम्मीदें पहचान लिया होगा। पहचान लिया मैंने, लेकिन यहाँ क्यों आई हो और मुझे क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? मुझे कोई और जगह समझ नहीं आ रही थी। कॉलेज के करीब यही एक जगह है जहाँ हम लड़कियाँ चाय आइसक्रीम के लिए आ जाती हैं, तो सोचा आपको भी यहीं आने का कह दूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी तो आपने बना रखी है मूसा भाई, सबको परेशान कर दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपके अब्बा ने मामू फजल को सब बता दिया है और अब सितारा भी सब कुछ जानती है। वो बहुत परेशान है ये सब कुछ सुनकर। चलो अच्छा हो गया, ये जिम्मेदारी भी अब्बा ने वक्त पे पूरी कर दी। मेरा एक पैगाम देना सितारा, उसे कहना मुझे भूल जाए, मेरे ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंके। दिलों से ख्याल इतनी आसानी से नहीं निकाले जाते मूसा भाई, और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मुझे क्यों बुलाया है? सितारा आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे नहीं, मैं देखिए इनकार मत कीजिएगा, मोहब्बत करने वाले किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़ते, और वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक है। एक बार उससे मिलने प्लीज, फिर शायद मुलाकात कभी हो या ना हो। ठीक है, वक्त जगह तय कर मैं आपको खबर कर दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सितारा जैसी लड़कियों के लिए घर से निकलना आग के कई दरिया पार करने के बराबर है, लिहाजा देर मत कीजिएगा प्लीज। जानता। ठीक है, मैं चलती हूँ। हमें नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इस कस्म के सौदे नहीं हुआ करते। हमारी दुआ है कि आपका बेटा उस रास्ते पर आ जाए जिसको आप राह रास कहती हैं। बाकी यहाँ से आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। माएँ हमेशा खाली हाथ ही रह जाती हैं आखिर में, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात तहमुल से सुनी। रुक जाए एक मिनट, बात अगर माँ के भरम की है तो फिर यूं ही सही। मैं मूसा से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हूँ। जोरा अन्ना जी, मुझे हमेशा आपने ही सिखाया है कि इंसान को अपना ज़र्फ बुलंद रखना चाहिए, और कोई हमारे दर से खाली हाथ चाहिए हमारे लिए कम ज़र्फी वाली बात होगी। मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगी। तुम चाहो तो रहने दीजिए, कोई कीमत मत लगाइएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि मूसा मुझे भूलकर अपनी जिंदगी गुजारे। मैं तुमसे एक और आला जुल्फी की उम्मीद रखती हूँ। कहिए। मूसा को ये ना पता चले कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आई थी। वो बहुत अक्कड़ है, बहुत सिद्ध का पक्का। नहीं पता चलेगा, हम आप इज्जतदार लोगों की मजबूरियां अच्छी तरह जानते हैं। आप मुतमईन हो के पलट जाए। अरे भाई, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? क्यों ऐसे टहले जा रही हो? थोड़ी देर टिक के सुकून से बैठा करो। कहाँ है सुकून इस घर में? सदा बेचैन रहूंगी मैं सबके हाथों। अरे अब ऐसा क्या हो गया? तुम इल्जाम तराशियां बंद क्यों नहीं कर देती? क्यों ना करूं इल्जाम तराशी? वैसे तो इस घर की इकलौती बहू हूं मैं, और बकौल तुम्हारे बड़ा मान बड़ा दर्जा है मेरा इस घर में बहू होने के नाते। हकीकत यह है कि मेरी सास और मेरा शौहर मुझसे बातें छुपाते हैं। तो तुमने कभी अपनी सास को, अपने शौहर को सास और शौहर का दर्जा दिया है? और ऐसा कौन सा राज तुमसे छुपाया गया है जिसका इतना वावेला मचा रही हो? राजदारी तो इस खानदान पे खत्म। अब देखें, 3 घंटे से ईसा ताई जान को लेके पता नहीं कहाँ गया हुआ है। माँ बेटे ने मुझे खबर तक नहीं लगने दी। तो तुम क्यों जी जला रही हो? तुम्हारी बला से कोई आए या जाए, तुम्हें कब किसकी परवाह हुई है? और वैसे भी तुम कौन सा सबको बताती हो कि तुम क्या करने जा रही हो? वैसे कभी कभी ना मुझे शक होता है, मैं वाकई तुम्हारी सगी औलाद हूँ या कूड़े के ढेर से उठाया था मुझे? तुम ही ने पैदा किया है ना? कूड़े के ढेर से उठाया तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी ये बदतमीजियां खत्म नहीं हुई ना, तो वहीं फेंक आऊंगी एक दिन।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन रुलता है सारी उम्र कूड़े के ढेर में। सकीना नाम नहीं मेरा, अगर सबको सुकून की एक सांस भी लेने दूं तो। क्या कहा उसने? मेरा हाल तो पूछा होगा। वो खुद बहुत बुरे हालों में है। तुम्हारे लिए बस यही पैगाम दिया है कि तुम उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। वो अब पलट कर आने वाला नहीं। जिंदगी बस एक ही मिलती है, उसे एक ही बार जिया जाता है। मूसा के अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। तुमने ये क्यों नहीं बताया उसे? सब बताया, तुम्हारी हालत भी और तुम्हारी बेकरारी भी, तभी तो मिलने के लिए राजी हुआ, वरना तो उसकी तरफ से साफ इनकार था। कहता है सितारा बहुत अच्छी है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। काश मैं अच्छी ना होती, सिर्फ उसे प्यारी होती। काश वो भी मेरे दिल में झांक सके। एक तरफा मोहब्बत की तड़प बहुत जानलेवा होती है सितारा, अभी भी वक्त है। खुद को रोक लो, खुद को ऐसे फना मत करो। कुछ तो कहा होगा ना, तो बता देना यार। मैं कब से सुबह से यार अम्मा के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, और अम्मा है तुमने चुप साध रखी है। हो सकता है अब्बा की वजह से चुप रह रही है वो, उनके सामने बात खुल के नहीं कर रही। भाई देखो मैं तो अंदर नहीं गया, मैं तो गाड़ी में बैठा रहूंगा। अच्छा यार, कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना तुझसे, कोई ना कोई बात, कोई जिक्र तो किया होगा, बता देना यार। हिसा कुछ खास नहीं, बस यही कह रही थी कि जोरा कह रही है कि मैं अपने फैसले से आपको जल्द आगाह करूंगी। मुझे लगता है अम्मा तुमसे खुद बात करेंगी। लेकिन उसकी शर्त तो मैंने पूरी कर दी है ना ऐसा, फिर इनकार इतराज की कोई वजह बचती नहीं है। भाई देखो तुम भूल रहे हो, उसकी शर्त ये थी कि उसकी बारात इस घर से उठे और उसकी ढोली यहां उतरे। अब तुम्हारी मोहब्बत में अम्मा उससे मिलने तो चली गई, लेकिन बात अभी अधूरी है, फैसला जोहरा के हाथ में। चल इतना तो हुआ ना, उसे मेरी नीयत और मेरे इरादे का तो पता चल गया ना। मैं खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ ईसा, उसे वही इज्जत वही मर्तबा वही मकाम दूंगा जिसकी उसको चाहता है। अम्मा ने ये तो बता दिया होगा ना उसे? ये तो बताया होगा ना? भाई देखो अब्बा बहुत गुस्से में, अब फजूल की तफ्तीश ना शुरू करते ना अम्मा के साथ जाकर, वक्त आने पर वो तुम्हें बता देंगी। अगर तू छुपा रहा है ना तो गलत कर रहा है। सुबह से मैं पागलों की तरह इंतजार कर रहा हूँ।